हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इटावा पुलिस भले ही 15,000 के इनामी बदमाश सुंदर यादव का इनकाउंटर कर हमी पीठ थरास्ता पा रही हो, लेकिन अपहरण की दो वारदातें ऐसी हैं जिन्हें और पुलिस केवल हाथ पैर मारती रही, नतीज सिफर ही रहा। जसवंतनगर से भट्टा व्यवसायी भोले यादव को घर से गायब हुए 27 सितंबर को 3 महीने बीत जाएंगे। भट्टा व्यवसायी को आखिर जमीन निगल गई या आसमान, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। भट्टा व्यवसायी के अपहरण की गुत्थी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि इटावा शहर से होम्योपैथिक डॉ जान प्रकाश पांडे 14 सितंबर को हमें घर से करहल मैनपुरी जाते समय गायब हो गए। उन सबके अपहरण का मुकदमा फ्रेंड्स कॉलोनी और दर्ज कराया गया। डॉक्टर से 55 लाख की फिरौती मांगी गई। उन सबके अपहरण को भी 10 दिन बीत गए। पुलिस 2 दिनों ने रुकैया नर छान रही है। पुलिस को आशंका है कि चिकित्सक को नर और ही बहा दिया गया है। हालांकि 2 दिन से कोई शव नर से बरामद नहीं हो सका। नर और पानी अधिक है। बीती 27 जून की दोपहर घर से इटावा के लिए गए पूर्व सभासद और भट्टा व्यवसायी गिरीश चंद्र यादव उर्फ भोले का इटावा पक्का बाग से अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इस मामले को एसएसपी वैभव कृष्ण ने काफी गंभीरता से लेते हुए कई टीमों को लगाकर खुद ही निगरानी की, फिर भी भोले यादव का कोई सुराग नहीं लगा। अब तो घर के लोग मायूस हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले और बालिस्टर यादव को रेकी करने के आरोप और जेल भेज दिया है। इसके बाद भी भोले यादव का पता नहीं चला। अब होम्योपैथिक डॉ जान प्रकाश पनाडे के अपहरण के खुलासे को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस को जानकारी दी है कि डॉक्टर के शव को रुकैया नर और बहा दिया है। इस पर पुलिस 2 दिन से नर और लगी हुई है। नर और पानी अधिक है, इसलिए जाल भी डलवाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही। एसएसपी वैभव कृष्ण का कहना है कि जांच पूरी हुए बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, पानी भी मामले का खुलासा किया जाएगा। भट्टा व्यवसायी और डॉक्टर के अपहरण और पुलिस के हाथ खाली। 2 दिन से रुकैया नर में डॉक्टर को तलाश रही पुलिस। 27 को 3 महीने हो जाएंगे भट्टा व्यवसायी को लापता हुए। फॉलो अप फोटो नंबर 21 भट्टा व्यवसायी भोले यादव। फोटो नंबर 22 जान प्रकाश पांडे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।